नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर है जो मैंने आज आपको दोपहर में खबर बताई थी कि किस तरह से रूबिका लियाकत झूठ फैला रही थी, अफवाह फैला रही थी। अब रूबिका लियाकत ने माफी तो नहीं मांगी है, लेकिन उसने ये जरूर माना है कि हाँ उससे एक गलती हुई है। लेकिन उसके ऊपर के अपडेट जब आप जानेंगे तो सुनकर दंग रह जाएंगे। और ये ट्वीट को जो है किसी और ने नहीं, इस ट्वीट को आलोक चिकू ने लिखा है जिसने इस मुद्दे को उठाया था। वो लिखते हैं कि किस तरह से एक बड़ी बेईमानी की गई है और वो इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि टीवी अखबार वाले किस तरह से बेईमानी झूठ बोलते हैं, बेईमानी फैलाते हैं। जब ये आप जानेंगे तो आपके पैर तले रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पटना में एक विरोध प्रदर्शन हो रहा था, ये बात सच है। उसमें लाठीचार्ज हुआ, ये भी बात सच है। लेकिन एक शख्स की मौत हुई। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने बकायदा स्टेज बाय स्टेज ट्वीट करके फोटो शेयर किया सीसीटीवी का और कहा कि जिस शख्स की मौत हुई है उनका न तो लाठीचार्ज से कोई मसला है न ही भगदड़ हुई है। 1:22 पर उनके साथी ने कहा कि वो गिर गए खुद ब खुद, जैसे आजकल हार्ट अटैक का केस आ रहा है, और इस वजह से हम अस्पताल ले गए। उनके एक साथी ने कहा कि हमने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई, पुलिस ने हमें अस्पताल में भर्ती कराया, उसके बाद फिर पीएमसीएच रेफर किया गया। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है, आप सब देख सकते हैं। वो रिक्शा पर हैं, उनका कपड़ा समटाया हुआ है, शरीर पर कहीं चोट के निशान नहीं है, न कहीं खून के छींटे हैं। लेकिन सोचिए, रूबिका लियाकत ने अपने चैनल पर बैठ के सरेआम झूठ फैलाया, अफवाह फैलाया और कहा कि हमने ब्लर इसलिए किया है क्योंकि वहां खून के छींटे हैं, चोट के निशान हैं। और एक वीडियो एडिटर को पकड़ लाई, कहा कि आप बताइए, उसने भी कह दिया। अब अंदर के अब देखिए रूबिका लियाकत की होशियारी शब्दों की। चितरंजन जी, एक चितरंजन गागा हैं जो बुजुर्ग थे, उन पर किस तरह से चित्रा त्रिपाठी भड़क रही थी, आरोप लगाए थे। ये बहुजन समाज के लोग, ये किसान जातियों के लोग टीवी पर जाते क्यों हैं? ये टीवी वाले आपका इस्तेमाल करते हैं, चंद्रशेखर आजाद हो या अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, इनको इसलिए बुलाते हैं कि इनकी समाज का, इनके वोटर चैनल को देखे। जबकि इस कम्युनिटी का एक भी पत्रकार, एंकर या संपादक नहीं है, ना मीडिया का मालिक है। अगर एससी एसटी ओबीसी और किसान जातियों के नेताओं ने टीवी अखबार का बायकॉट कर दिया तो ये घुटनों पर आकर रेंगने लगेंगे, केस दर्ज करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन सोचिए, जो बिहार पुलिस एक यूट्यूबर को टीवी अखबार के खबर पर वीडियो बनाने के फेर में जेल में डाल दी। चितरंजन जी, आप सही साबित हुए, इनके बदन पर खून का एक कतरा भी नहीं था, लेकिन कुर्ता फटा, चेहरा लाल, शिथिल शरीर देख तस्वीर ब्लर कर दी। इस तस्वीर को देख मन विचलित न हो, ये नहीं हो सकता, काश की जैसे खून का कतरा नहीं है, ठीक वैसे ही शरीर में प्राण भी होते। सवाल कई है जो अभी बरकरार। सोचिए कितनी बेशर्मी से ये कह रही हैं कि उसके पहले तो ये झूठ बोल रही थी कि इनका कहना था कि पुलिस के डंडे से मौत हुई है, भगदड़ में मौत हुई है, लाठी चार्ज हुआ है, खून के कतरे थे। अब ये कह रही है कि अरे कोई अगर वो किसी की भी मौत दुखद है, वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, नेता थे, रैली में आ रहे थे, उनकी मौत हुई, लाठी चार्ज भी हुआ है, लेकिन आप टीवी पर बैठकर झूठ फैलाएंगे तो सोचिए। ये आलोक चिकू ने पूरा थ्रेड लिखा है, खुलासा, रूबिका लियाकत एंड टीम पार्ट वन। रूबिका लियाकत अपने शो में एक व्यक्ति की मौत पर चिल्ला चिल्लाकर झूठ बोलती है कि वह व्यक्ति खून से लथपथ है, देखा न गया तो ब्लर करा दी, ये झूठ था। कोई भी तस्वीर गाइडलाइंस है, कोई आदमी डेड हो, खून के छींटे हो तो ब्लर नहीं कर सक ब्लर करना चाहिए। सोचिए, अब मतलब टीवी और कह रही थी कि हम नहीं कह रहे हैं, हमारा एडिटर कह रहा है, वीडियो एडिटर। अरे मैडम, वीडियो एडिटर आपके कहे पर नाचेगा? नौकरी करता आपके यहां इतना, जब आप पत्रकार हो के आपके पास रीढ़ भी नहीं है, आप टॉनिक वाला सवाल पूछती हैं तो आपका वीडियो एडिटर को नौकरी नहीं बचानी है, वो आपके खिलाफ चला जाएगा। तो रूबिका लियाकत अपने शो में एक व्यक्ति की मौत पर चिल्लाकर झूठ बोलती है कि वह व्यक्ति खून से लथपथ है, देखा नहीं गया तो ब्लर कर दी फोटो, यही झूठ अपने एडिटर से बुलवाती है, एकदम बेशर्म की तरह झूठ बोलती है। अब आगे सुनिए, इस चैनल से जुड़े दो एम्प्लॉय ने मुझे कॉल कर भेद खोलते हुए बताया कि यह शो शुरू होने से पहले आधा घंटा इस पर चर्चा हुई थी कि क्या इस तरह झूठ फैलाना सही रहेगा।
टीम के लगभग 3 लोग इसके विरोध में थे, लेकिन 2 लोग जो रूबिका के खास थे उनका कहना था कुछ नहीं होगा, टीआरपी बढ़ेगा, बीजेपी वाले इस शो को वायरल करेंगे, शो हिट रहेगा। फिर क्या था, झूठ बेशर्मी से फैलाया गया। चैनल के एड सेक्शन के कुछ एम्प्लॉय भी चलाने पर जोर दे रहे थे, उनका कहना था कि बीजेपी शासित कुछ राज्य से टीवी एड ज्यादा मिलेगा इस तरह का माहौल बनाया तो। हमारे पार्टी के चितरंजन गागा जी को वरिष्ठ नेता उम्रदराज भी है, जिस तरह से उन पर चिल्ला रहे थे अगर कोई दिल का मरीज होता तो कुछ अनहोनी हो जाता। रूबिका लियाकत जैसे चिल्लाने वाली पत्रकार राजीव त्यागी जी के मौत के जिम्मेदार हैं। नफरत भी इतनी मासूमियत और चिल्लाकर बोलते हैं कि कोई सच मान ले। और अंत में रूबिका जब तक स्क्रीन पर माफी नहीं मांगेगी बख्शी नहीं जाएगी। सारे रात धीरे धीरे खोले जाएंगे कहां कहां से पैसा आता है सब। तो सोचिए, रूबिका लियाकत कल चीख चीख कर कह रही थी कि खून के छींटे हैं, आज ट्वीट में देखिए, अरे एक शख्स पटना में एक शख्स की मौत होती है, दुखद है। आप झूठ बोल रही थी कि डंडे से मौत हुई, खून के छींटे थे, ऐसे आपके देश के पत्रकार हैं। सोशल मीडिया पर वो फोटो वायरल है। सोचिए, अगर ये ट्विटर और फेसबुक नहीं होता तो टीवी को लोग अंतिम सत्य मानता था। मैं फिर कह रहा हूं, इनका एक ही इलाज है, पुलिस अपना काम करे, एफआईआर करे ना करे, वो पुलिस का मसला है। बिहार पुलिस ने पूरा थ्रेड जारी किया है उस शख्स को लेकर कि कैसे उनकी मौत हुई। रूबिका लियाकत उनका मसला है, झूठ फैलाने पर वो क्या करते हैं। लेकिन एससी एसटी ओबीसी नेताओं को बायकॉट करना चाहिए, किसान नेताओं को बायकॉट करना चाहिए। अगर आप चैनल का बायकॉट करेंगे तो आपके लोग भी उसको नहीं देखेंगे, टीआरपी नीचे आ जाएगी, 90% लोग देखना बंद कर देंगे, एक बात। दूसरी बात, वो आपको चैनल पर इसलिए लाते हैं कि आपको बेइज्जत कर सके, आपको देशद्रोही घोषित कर सके, आपको धर्मद्रोही घोषित कर सके, आपकी पार्टी को हरा सके और साथ में आपके लोग उस चैनल को देखे और वो पैसा कमा सके। सोचिए, जो ये लोग एससी एसटी ओबीसी और किसान जाति के नेताओं को बुलाते हैं, एक्टिविस्टों को बुलाते हैं, चंद्रशेखर जी ने मुझे साफ कहा है मेरे इंटरव्यू में कि ये लोग हमें लड़ाते हैं मायावती जी से, इनका एक ही इलाज है। सोचिए, ये लोग नौकरी नहीं देते हैं एससी एसटी ओबीसी को, एंकर नहीं बनाएंगे, संपादक नहीं बनाएंगे, एडिटर नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये लाखों की नौकरी होती है, मलाईदार नौकरी होती है। ये चाहते हैं कि आप दर्शक बने रहें और इसका एक ही सॉल्यूशन है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग टीवी अखबार का विरोध करें, इनको देखे ही नहीं, इनका दुकान खुद ही बंद हो जाएगा और एक घुटनों पर रेंग के आपके पास आएंगे। इनका सबसे बड़ा इलाज यही है। तो सोचिए किस तरह का झूठ फैलाया गया, आप कल्पना कर सकते हैं। और झूठ फैलाने के बाद भी रूबिका लियाकत नहीं मान रही है कि भैया हमने गलत किया, आप कल्पना कीजिए। कल मैं देख रहा था, एक सुशांत सिन्हा है, वो कह रहा है कि हथनी बैराज में 2 कैनाल बहते हैं, एक यूपी की तरफ जाते हैं, एक वेस्टर्न कैलान और एक ईस्टर्न कैलान, उसमें अगर पानी छोड़ा जाएगा तो 13 क्यूसिक ही पानी जाएगा, 13,000 क्यूसिक। अरे साहब, 13,000 क्यूसिक पानी जो जाएगा वो हर घंटे 24 घंटे खुला रहेगा तो कितना जाएगा। और ये बात सही है कि सिल्ट आ जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि पंजाब बाढ़ में था तो राजस्थान के कैनाल नहीं खुलेगा कि सिल्ट चला जाएगा। जब हरियाणा डूबने लगा तो दिल्ली में पानी छोड़ दिया गया, लेकिन ईस्टर्न कैनाल, वेस्टर्न कैनाल जो यूपी जाता है उसके सिल्ट नहीं, उसके दरवाजे नहीं खुलेंगे कि सिल्ट चला जाएगा, अब क्यों खोल दिए। तो ये सब लोग टीवी अखबार में बैठ के झूठ फैलाते हैं, बदनाम करते हैं विपक्षी नेताओं को, ये उनका काम है। और सोचिए, असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि सब्जी की महंगाई के लिए मुसलमान दोषी है, इसका कोई लॉजिक है। अखिलेश यादव ने इस पर बोला है, चलिए। और ये देखिए, ये मैं बस खबर बता रहा हूं, ये दिल्ली से खबर है, कांवड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं, काश बाढ़ में फंसे लोगों को भी हेलीकॉप्टर की मदद मिलती। चलिए भैया, और ये देखिए, जब पंजाब डूब रहा था तब राजस्थान को जाने वाली नहरों यह कहकर बंद कर दी गई कि नहर में सिल्ट भर जाएगी, जब दिल्ली डूब रही थी तब हरियाणा के हथनी कुंड से हरियाणा और यूपी जाने वाली नहरें भी सिल्ट का हवाला देकर बंद कर दी गई। आज सब नहरें खोली हुई है, क्या अब सिल्ट नहीं जा रहा है। तो क्या जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं थी वहां जानबूझकर हुआ, यह सबसे बड़ा सवाल है। रमनदीप सिंह मान ने यह सवाल उठाया है और यही सुशांत सिन्हा का लॉजिक था। अनिरुद्ध सिंह विद्रोही है, भीम आर्मी चीफ को उन्होंने कहा है, आंदोलन का समर्थन किया है। जय भीम, जय मंडल, जय श्रमदान, जय जोहार। साथियों, मैं अनिरुद्ध सिंह विद्रोही, प्रमुख मंडल आर्मी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी, बड़े भाई भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हुए। तो 21 जुलाई को जो चंद्रशेखर आजाद की रैली है उसको लेकर
और तमाम हिंदुओं को इनसे सीखना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, ब्राह्मण समाज क्या कहता है इससे मत सीखिए, वो क्या करता है इसे सीखिए। एससी एसटी ओबीसी हिंदुओं को सीखना चाहिए, किसान जातियों के हिंदुओं को सीखना चाहिए। सोचिए, सावन में राघव चड्ढा खुद घर में ही जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्ध अभिषेक कर रहे हैं भगवान शंकर के शिवलिंग पर। ये आप सीखिए, परेशान मत होइए, इस तरह से भी आप धर्म कर्म चला सकते हैं। जैसे बीजेपी के ब्राह्मण सांसद निशिकांत दुबे का बेटा लंदन में पढ़ता है, वही नौकरी करता है, वो बजरंग दल में नहीं है, न वो हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ रहा है। एससी एसटी ओबीसी और किसान जातियों को उनसे भी सीखना चाहिए कि अपने बच्चे को विदेश भेजिए, वही नौकरी कराइए। और ये देखिए, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है, ये भी उपाध्याय जी हैं, ये माइक लेकर गले भर पानी में डूबे हुए हैं। और जनपद सोनभद्र के रॉबर्टगंज में अनुसूचित जाति के युवक के साथ जो बदसलूकी हुई थी, एससी कमीशन पहुंचा है, शुक्रिया गुर्द सापला साहब। मैं इसलिए कहता हूं मोदी जी के राज में न्याय भी होता है। और ये देखिए, आदिवासियों का जन सैलाब, जितेंद्र मीणा ने ये ट्वीट किया है, आदिवासियों का जन सैलाब है, ये मानगढ़ धाम पर आदिवासियों का जुटान। और ये एक दुखद खबर है सोशल मीडिया पर जो लगातार वायरल है, मैं वो खबर दिखाता हूँ। और सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। देखिए, मुंह में ब्लड दिखा था इनको, तुरंत जो है तारा हॉस्पिटल ले जाने का काम किए, वहाँ से बोले कि नहीं तो इनको आप पीएमसीएच ले जाइए, रेफर कर दें वहाँ से, हम लोग रिक्शा पर। तो ये तमाम खबरें हैं जिस पर ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं, मैं दिखाना नहीं चाहता था, इसमें कहीं खून नहीं था, ये सोशल मीडिया पर वायरल है। और रूबिका लियाकत ने सबसे बड़ा झूठ बोला है, सोचिए कितना बड़ा उन्होंने झूठ बोला है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। पता नहीं बिहार पुलिस इन पर कार्रवाई करेगी कि नहीं, लेकिन यूट्यूबर मनीष शुक्ला पर, उस त्रिपुरारी तिवारी पर केस हो गया, जबकि वो टेलीविजन और अखबार के खबरें देख के बना रहे थे। हेमंत सोरेन का भी खबर वायरल है सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। ये तस्वीरें देखिए, रामजी गौतम ने शेयर किया है, राजस्थान में लगातार बीएसपी आंदोलन चला रही है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और आज सबसे ज्यादा अभिषेक उपाध्याय जो बीपी का रिपोर्टर है, उस पर लोग फब्तियां कस रहे हैं कि ये लोग पत्रकार नहीं है, एकदम मान लीजिए ये लोग सत्ता पक्ष के एजेंडा चलाते हैं। ये हम लोग आज भी पत्रकारिता कर रहे हैं, कल किसी और की भी सरकार होगी उस समय भी हम लोग पत्रकारिता ही करेंगे, इतना आपको आश्वासन दिला रहे हैं। पत्रकार का मतलब होता है सत्ता से सवाल पूछना, सत्ता के गोद में बैठ जाना नहीं। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।